मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी की वजह से स्थिति बहुत ही ज्यादा बिगड़ रही है। हर तरफ से खबरें आ रही हैं कि बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, दवाइयों की कमी है। उत्तर प्रदेश सरकार क्या धर्म है कि वह समस्या बढ़ाने के बजाय और आंकड़ों को छुपाने के बजाय समस्या को सुलझाने की कोशिश करे और सच्चाई सामने लाए? क्योंकि आज जो स्थिति है वो सही नहीं है। आप सोचिए कि 22 करोड़ लोगों में से सिर्फ 85 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। आपको रेमडेसिविर के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले डीएम के पास जाके स्लिप लेने की जरूरत है। बेड्स उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, लेकिन हिंदुस्तान में ही कमी हो रही है क्योंकि हमने अपने पीआर के लिए और भगवान जाने किस लिए वैक्सीन को एक्सपोर्ट कर दिया और अलग अलग देशों में भेज रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ कमी है। इसकी प्लानिंग ठीक तरह से करनी चाहिए थी, ठीक है नहीं की। अब भी समय है कि ठोस स्ट्रैटेजी बनाई जाए, मजबूती से कदम उठाए जाए और जो सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, जो गरीब जनता है, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए। जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो दुकानदार हैं, जिनका फिर से बिजनेस बंद होने जा रहा है, उनके लिए खास तौर से कोई पैकेज ढूंढा जाए। मैं आग्रह करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से कि आपका प्रशासन आक्रामक होने के बजाय संवेदनशील बन जाए। कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के साथ राजनीतिक मतभेद हो सकती है, वो तो है ही और हमेशा रहेगी, लेकिन इस समय मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब एक साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी का सामना करेगी। आप सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सारे नियमों का आप पालन करें। मास्क पहनिए, हो सकता है तो डबल मास्क पहनिए, घर से कम निकलिए, हाथ खूब धोएं, तो इन पर जरूर ध्यान दीजिएगा और अपनी जिम्मेदारी भी आप पूरी सावधानी से आप निभाएं।